Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. राजा बड़ा खुश होया कहिंदा कि मेरे प्रजा वालियां दी कहिंदा चलो थोड़ी लेट ही सही पर अणख नां दी चीज है जिहड़ी ओह इहनां दी इहनां विच हैगी आ जमीर इहनां दी उठ गई आ सुत्ती दी जिहड़ी ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸਭਾ ਲਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਲੂ ਪਿਆਜ ਕੀ ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇ 7-8 ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਚ ਕਿਆ ਚਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਮੰਡਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੰਘਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ अपनी परंपरा है रोड जाम की 12-4 बजे तक चकना चली जाए अपने साथी कोई बोलना चाहता हो प्रोग्राम रखना चाहता हो भी साढ़े पिछे आवे अपना ना थे तो लिखाने की लड़ ही नहीं सू दस दो चलती मैं खुला 4 बजे तक एक मलड़ी पिंड तो अभी नौजवान बैठे भी साढ़े बहुत बहुत धन्यवाद हो आ गया मलड़ी पिंड मैं तो ऐसे बोलता हूँ मलड़ी पिंड वाला मुंडा नहीं आया उन्हें उन्हें प्रोग्राम रखता क्या तुम्हें देखो साथियों जवान छोटी उम्र का मुंडा है रात इन्होंने डैडी ने गल हुई मेरी घर तो कोई अद्धा घंटा उन्होंने जतन किया कि सानू फिर कल उठे कहते भी सारे परिवार की शादी हैगी अभी जाने जरूर धन्यवाद ये खेते ने ये आप बने उन्होंने बच्चे जो प्यार करा इस बच्चे का मेरी पिंड को और अपने पिंड बड़े साथी जो नागे तो बड़ा भारी कर इन्होंने अपनी कैंपेन घर पे खड़ी है कैंपेन चलाई गई है घर वाले कह रहे हैं भाई तू कहां घूम रहे हो ये कैंपेन छोड़ के आज आंदोलन करने लगे और आज सब समझते हो कि कैंपेन का जो सीजन है इसमें जो है आज कोई पैसा कमाता है 10 रुपए उसकी दाढ़ी मजदूरी बढ़ती है वो सारी छोड़ के आज एक किसान आंदोलन के अंदर लगे मैं ऐसे साथियों को क्रांतिकारी सलाम करता हूँ इनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ कि ये इस आंदोलन के बहुत बड़े योद्धा जो है योद्धा के रूप के अंदर ये काम करें तो मैं निवेदन करूंगा मुनीत सिंह बाबा प्रधान इनको प्रधान इसलिए कह रहे हैं कि ये हरियाणा किसान मंच के जिला प्रधान है करनाल में हमारी मीटिंग हुई थी जहाँ उनको ये होता सौंपा गया था इसलिए इसको बाबा प्रधान के नाम से हम बुलाते हैं तो बाबा प्रधान जी से मैं निवेदन करूंगा कि अपनी बातचीत रखें वजीर आया राजे कोल कहिंदा जी कोई नहीं बोलिया बस दही आंदे कहिंदे भी राजे दा हुक्म है तां दही चलो किसे कहिंदा भी किसे दी जमीर नहीं जागी कहिंदा चल कोई वजीर आंदा कहिंदा भी कोई गल नहीं चल अणख किसे दी जमीर नहीं जागी कहिंदा कोई गल नहीं आपां नूं कमाई तां होई जांदी आ 5% आपां इहदा इक जणे तों लई जांदे आ उहदे बाद राजा कहिंदा नहीं कमाई दी गल नहीं कहिंदा आपां नूं अणख वाले भी चाहीदे आ कल नूं आपणे कोई देश ते आ के भीड़ पै जांदी आ कोई इहनां ते खड़िया होण वाला ही नहीं होऊगा फिर तां जे इहनां दी अणख ना जागूगी तां उन्होंने की किया कि टका वधाता 10% करते जी 10% करके फिर 15 दिन बाद राजे ने रिपोर्ट ली वजीर तो कहिंदा भी कैसे कोई बोलिया कि नहीं
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਬੋਲ ਸਕੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜ ਸਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨੇ ਮਨਾਇਆ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰੋ ਇੱਕ 10 ਟਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛੇਤਰ ਕਰ ਦੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੀ ਟੱਕੂਗਾ ਉਹਦੇ 10 ਟਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੇ ਇੱਕ ਛੇਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਜਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਲੇਟ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਰੰਗ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਮੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਠ ਗਈ ਆ ਸੁੱਤੀ ਸੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਭਾ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਜਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਟਕਾ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਕਾਏ।